नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। रविवार को दर्दनाक हादसा उत्तराखंड के उत्तर काशी में हुआ, उसके बाद एमपी में शोक की लहर छा गई, क्योंकि इस हादसे में मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के 28 तीर्थ यात्री जो है इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। उसमें माना जा रहा है कि इस बस में 30 लोग सवार थे, उसमें से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात किया जाए तो पन्ना के रहने वाले ये थे सभी। इस वक्त हमारे साथ पन्ना से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए, जिनसे बात करेंगे और पूछेंगे किस तरीके से पन्ना में इस वक्त जो है इस मौत की खबर को लेकर किस तरीके से शोक की लहर है। रामनरेश जी बताइए, किस तरह की स्थिति पन्ना में अभी? पन्ना में एकदम शोक की लहर चल रही है सर जी, और ऐसा गम में डूबा है पूरा पवई विधानसभा, और एक आदमी भुनौर का था, वहाँ भी स्थिति बहुत गंभीर चल रही है, प्राप्त जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। अगर बात की जाए रामनरेश जी, तो कब तक इन सभी शव को आपके पन्ना में लाया जाएगा, किस तरह की आपके पास जानकारी है, किस तरह से आपके अधिकारियों से चर्चा हुई है? मेरी अधिकारी से चर्चा हुई है कि 2 बजे देहरादून एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के लिए भेजा जाएगा उनको। इसके पश्चात तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा जो जहाँ के शव है 7-8 ग्राम के शव है वो भेजे जाएंगे। रामनवी जी, अगर बात की जाए तो क्या इस हादसे के बाद क्या बड़े नेताओं के आने का दौर पन्ना में शुरू हो चुका है? जिस तरीके से एक बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ, मध्यप्रदेश में सबसे बड़ी घटना को माना जा रहा है, क्या मानते हैं आप, कौन कौन आ सकता है? ये आप उच्च अधिकारी आएंगे, और जैसे अपने विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पवई पन्ना विधानसभा के विधायक है, वो वहीं देहरादून में है अभी। रामनवी जी, अगर बात की जाए तो ये हादसे को लेकर कोई जानकारी आपके पास, किस तरह से हादसा हुआ, क्या कारण रहा? बताया जा रहा है कि स्टेयरिंग फेल हुई है गाड़ी की, इसलिए हादसा हुआ है। तो ये थे रामनरेश विश्वकर्मा, जो हमारे वॉइस एमपी पन्ना से रिपोर्टर है, जिन्होंने बताया कि स्टेयरिंग फेल होने के चलते गाड़ी जो थी वो पहाड़ से टकरा गई, इसके बाद जो है गाड़ी खाई में जा गिर गई, जिसमें तकरीबन 30 लोग सवार थे, उसमें से 26 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें से 25 लोग पन्ना के बताए जा रहे हैं। साढ़े बात किया है तो घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे और पूरे इस मामले की जांच कर रहे हैं। साथ ही बात किया, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हमारे पन्ना से हमारे रिपोर्टर विश्वकर्मा ने दी है। इस पूरी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।